हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेगनेंसी के सिम्टम क्या होते हैं। देखो, किसी भी लेडीज़ को 4 दिन चढ़े नहीं और 4 दिन चढ़ने पर वो इतनी खुश हो जाती है कि भैया मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ तक वो अपने हस्बैंड से, अपनी सासू से, सबसे बता देते हैं कि माँ मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। और उसकी सासू खुश होकर जाके पड़ोस में बता देती है कि मेरी बहू को भाई दिन चढ़ रहे हैं और मेरी बहू तो प्रेग्नेंट है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और कुछ टाइम के बाद, 4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 8 दिन बाद फिर आपके पीरियड आ जाते हैं, तो जितनी भी खुशी थी सासू की, बहू की, आपके हस्बैंड की या फिर पड़ोसियों की या आपकी फैमिली की, वो सारी खुशी टूट कर रह जाती है, दब कर रह जाती है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी चल रही है और आपको प्रॉपर सिम्टम नहीं मिल पा रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं ना, तो आपको 4 दिन चढ़ें, 2 दिन चढ़ें, 1 दिन चढ़ें, अगर आपको लक्षण का पता चल जाए ना, लक्षण का आइडिया हो जाए, मतलब आप दिन चढ़ने से पहले भी पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब वो क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से ले कर एंड तक जरूर देखना। और देखो यार, जो मेरी माता बहन या मेरी सहेली या जो भी मैं कहूँ, कुल मिला के जो परेशान है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हर महीने, वो इंतज़ार तो करती हैं एक बच्चे का, लेकिन इंतज़ार में क्या मिलता है, उनके हार्मोन्स इंबैलेंस हैं या फिर पीरियड समय पर नहीं आ रहे हैं, पीरियड के दिन फालतू में चढ़ जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, हमारे पास आयुर्वेदिक दवाई है और उस आयुर्वेदिक दवाई को आप बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 30 दिन की दवाई है हमारे पास में, दादी माँ रहती हैं वो इस दवाई को बनाती हैं और 30 दिन में प्रेगनेंसी रुक जाती है, गारंटी दवाई होती है। देखो, फिलहाल में रो रहा है हमारा बच्चा, तो हमें वीडियो में अपने बच्चे को भी लेकर आना पड़ेगा, वरना वो पूरी वीडियो में ऐसे ही रोता रहेगा। तो जाओ बेबी गर्ल, आप बच्चे को लेकर आओ। अब गाइस, वैसे तो सभी को पता होगा कि हमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। अब बात करते हैं सिम्टम की, कि सिम्टम आखिरकार होते क्या हैं। देखो, पहला सिम्टम होता है कि भैया आपके पीरियड मिस हो गए। अब पीरियड मिस तो आपके हर बार होते हैं, लेकिन फिर वो आ जाते हैं, तो ये सिम्टम तो कुछ सिम्टम हम मानते ही नहीं, कभी हमने ये सिम्टम को माना ही नहीं। पहली बात तो ये कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप इस बार प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट नहीं है, तो जो सिम्टम बता रहे हैं ना, ये सिम्टम आप जान लेना, पीरियड मिस होने से पहले आपको चल जाएगा पता सारी चीज़ें कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। पहली चीज़, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग ज़रूर होगी, और ये जो स्पॉटिंग है ना, ये प्रेगनेंसी के 15 दिन पहले ही आपको दिख जाती है। कुछ लोगों को 20 दिन पहले दिख जाती है और कुछ लोगों को 10 दिन पहले दिख जाती है। तो अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, कहीं भी थोड़ा बहुत आपको स्पॉटिंग दिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के जमने की वो स्पॉटिंग है। दूसरा चीज़, आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा जब भी आपकी इम्प्लांटेशन या जब भी आपका बच्चा गर्भ में चिपक जाएगा ना, तब से आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, सभी लेडीज़ को पता है पीरियड के दर्द कब शुरू होते हैं, और वो जो दर्द होगा ना, वो एक अलग ही दर्द होगा, उससे आप अलग महसूस कर पाएंगे, ठीक है। वो जैसा मैडम आपके दर्द, वो मीठा मीठा और हल्का हल्का दर्द होता है। नंबर 3, पेट में ऐठन, आपको ऐठन शुरू हो जाएगी पेट में बहुत ज़्यादा। नंबर 4 जो भी है, आपको यूरिन जो बाथरूम है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ओके। नंबर 5, आपका जो बाथरूम आने जाने का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। मीन्स अगर आप दिन में 10 बार बाथरूम करते थे पहले, अभी आप 15 बार बाथरूम करोगे, ये चीज़ आप नोटिस कर लेना। तो देखो मैडम जी, मैंने बता दिया उनको कि बाथरूम का जो कलर है वो आपको पीला पीला सा फील होने लगेगा, और उसमें ना जो पेशाब है, अगर आप किसी स्पॉट में करना है, किसी बर्तन में करना, तो आपके पेशाब के अंदर एक वाइट वाइट जैसे कतरे, मीन्स थोड़ी जैसे सफ़ेदी होती है लेडीज़ को, उसी टाइप के बहुत छोटे छोटे कतरे आपको बाथरूम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है ना, तो आप समझ लेना कि आप प्रेग्नेंट है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये भी उनको लेडीज को दिखाई देंगे जिनके पीरियड रेगुलर हैं। हाँ, ऐसे ये भी चीज समझ लेना, देखो आपके पीरियड भी रेगुलर होने चाहिए, ऐसा नहीं है आपके पीरियड 6-6 महीने में आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है भाई।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव टू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके जल्दी ही बच्चे आपको हो जाएं। ओके, धन्यवाद गाइस।